उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में एक तरफ जहां पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को एक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। ये खुलासा सीसीटीवी कैमरे से हुआ। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए एक वीडियो में साफ देखा गया कि घटना को अंजाम देने के लिए एक शख्स पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल डालकर लेकर आया और इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि घटना के बाद उस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही कानपुर हिंसा में ये भी खुलासा हुआ है कि ऊंची इमारतों से भी पथराव किया गया था। इस मामले का मास्टरमाइंड और मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के प्रमुख जफर हयात हाशमी के मोबाइल से अब राज खुलने लगे हैं। उसके मोबाइल में कुल 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। तकरीबन सभी ग्रुपों में बाजार बंदी और बवाल की बातचीत मिली है। हिंसा के दिन का हर पल का अपडेट ग्रुपों में दिया जा रहा था। कोई वीडियो डाल रहा था, कोई फोटो और कोई मैसेज। बाजार बंदी का हयात लगातार ग्रुप पर आह्वान कर रहा था। पुलिस ने इसे साक्ष्य के तौर पर जांच में शामिल किया। आपको बता दें कि कानपुर हिंसा के आरोपियों की लगातार धरपकड़ जारी है। रविवार को 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। कानपुर हिंसा में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 36 लोगों को नामजद किया गया है। ATS भी जाँच में शामिल है। कानपुर हिंसा में अब तक गिरफ्तार सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। इस बीच कानपुर हिंसा की जांच के लिए SIT गठित की गई है। पुलिस उपायुक्त संजीव त्यागी SIT की निगरानी करेंगे, जबकि जांच में ATS को भी शामिल किया गया है। वहीं कानपुर हिंसा की जांच PFI के एंगल से की जा रही है। मामले में समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे निजाम कुरैशी का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत गिरफ्तार लोगों को रविवार को विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार के मुताबिक सोमवार को अदालत के समक्ष आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में लेने के लिए अर्जी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रविवार को 5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या अब तक 29 हो गई है, जबकि 100 से अधिक आरोपियों की पहचान हो चुकी है। कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा के मुताबिक घटना की विधिवत जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम जाँच करेंगे कि क्या उसका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ कोई संबंध है, जिन्होंने उसी दिन मणिपुर और पश्चिम बंगाल को बंद करने का आह्वान किया था। मीणा ने कहा कि SIT की निगरानी पुलिस उपायुक्त संजीव त्यागी करेंगे, जिन्हें अपर पुलिस उपायुक्त ब्रजेश श्रीवास्तव, सहायक पुलिस आयुक्त अकमल खान और कर्नलगंज के त्रिपुरारी पांडे द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि साथ में एक पुलिस निरीक्षक और 2 उप निरीक्षक उनकी सहायता करेंगे। मीणा ने कहा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के प्रमुख हयाज जफर हाशमी, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान समेत गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिन्हें शनिवार को हजरतगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। मीणा ने कहा गिरफ्तार व्यक्तियों के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया खातों की छानबीन की जा रही है। पूरी तरह से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कानपुर में हिंसा और पथराव की घटना के दिन शनिवार को 500 से अधिक लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए। हिंसा की घटनाओं में 40 लोग जख्मी हो गए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।